राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन मंजिल हमारी क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, यह पहले तय करना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग को चुनना। और जब एक बार मार्ग चुन लिया तो बिना किसी के प्रवाह किए बगैर उसमें सरपट दौड़ पड़ो, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, लक्ष्य पे अवश्य प्राप्त होगी। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश है। अक्सर होता क्या है हमारे जीवन में, हम लोग संकोच करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हमें भय इस बात का होता है कि मैं गलती कर लूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने भी एक बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी हम सबसे कि सबसे पहले क्या, हम समस्या को समझें, पहले उसको स्वीकारें। समस्या है तो समस्या जब हम स्वीकार कर लिए तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले उसको स्वीकार किया कि ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा, उसके समाधान के रास्तों को ढूंढना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ये मार्ग वही है जो चाहे वो महात्मा बुद्ध के मुंह से कहे गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से कहे गए हो, और चाहे वह आप आज भी अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जब अपने प्रोफेसर के सामने कोई प्रश्न रखते होंगे तो सबसे पहले तो आपने समस्या को स्वीकारा, फिर समस्या के समाधान का एक रास्ता उनसे पूछा, और जब वह उसका समाधान का रास्ता बताते हैं तो आपके मन के अंदर जो एक दुविधा होती है उसका निवारण अपने आप ही उसके माध्यम से हो जाता है। यानी समाधान का रास्ता आपको निवारण तक स्वयं पहुंचा देता है। और स्वामी विवेकानंद ने हम सबके मन की इस दुविधा को दूर किया था कि वैश्विक मंच पर जाकर के हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता का एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, महिला है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबका धर्म सनातन धर्म है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा मजहब इस्लाम है। स्वामी विवेकानंद ने भारत से जाएगा और इसे भारत के ज्ञान के लिए।
और ये लगता है स्वामी विवेकानंद का एक जन्मदिन ये जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र इसीलिए है कि दुनिया आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, आप अपने आप को तैयार करो। जय श्री राम। और उनका जो राज्य था कपिलवस्तु वह किसी से